क्वेश्चन लिखेंगे, क्वेश्चन लिखेंगे कंजर्वेटिव फोर्स एवं नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, हिंदी हो जाएगा संरक्षी बल एवं असंरक्षी बल। क्वेश्चन लिखिएगा कंजर्वेटिव फोर्स एवं नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या है एवं इसके उदाहरण को लिखें। कंजर्वेटिव फोर्स एवं नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या है। कंजर्वेटिव फोर्स एवं नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या है एवं इसके उदाहरण को लिखें। कंजर्वेटिव फोर्स एवं नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या है एवं इसके उदाहरण को लिखें, मतलब कौन कौन सा बल है जो कंजर्वेटिव है नॉन कंजर्वेटिव है। तो आंसर में कंजर्वेटिव फोर्स लिख के भेज दीजिएगा। आंसर में संरक्षी बल कंजर्वेटिव फोर्स लिख के भेज देना है। कंजर्वेटिव फोर्स लिख के भेज देना है। परिभाषा पहले सुनिएगा तब लिखिएगा, हम दो तीन बार रिपीट कर रहे हैं, आप दिमाग पे दौड़ाइएगा। परिभाषा सुनना है, वह बल जिसके द्वारा किसी ऑब्जेक्ट को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक विस्थापित करने में किया गया वर्क, ठीक है, विस्थापित करने में किया गया वर्क एवं यह ऑब्जेक्ट अपने वास्तविक मार्ग पर निर्भर नहीं करता है बल्कि ऑब्जेक्ट की प्रारंभिक स्थिति एवं अंतिम स्थिति पर निर्भर करता है, कंजर्वेटिव फोर्स कहलाता है। अब आप बोलेगा सर जी को एग्जाम्पल दीजिए, इसका एग्जाम्पल देखिएगा। जैसे मान लीजिए ये हम यहाँ से नीचे ज़मीन पर गिराएंगे, ठीक है, इसको नीचे ज़मीन पर गिराएंगे, ये किस रास्ते से आ रहा उससे हमको कोई मतलब नहीं है, बस में है, लेकिन क्या कि आरंभिक स्थिति यहाँ हो गई और अंतिम स्थिति जहाँ पर गिरना है। जैसे मान लिया किसी को बुलाया, ए भाई दिल्ली आओ, बहुत ज़रूरी काम है, भागलपुर में उसका घर है। अब भागलपुर से वो दिल्ली या तो भागलपुर तरफ से जाए या नौगछिया स्टेशन तरफ से जाए, लेकिन पहुंचना तो दिल्ली है, तो रास्ते पे डिपेंड नहीं किया, कहाँ से निकल रहा है किस पॉइंट तक जा रहा है इस पे डिपेंड करता है, कंजर्वेटिव फोर्स कहलाता है। रास्ते से कोई मतलब, किस रास्ते से आ रहे हैं कोई मतलब नहीं है। समझ में आ गया, कोई दिक्कत किसी को, समझ में आ गया नहीं आया, ये कंजर्वेटिव फोर्स हो गया। वह बल जिसके द्वारा किसी ऑब्जेक्ट को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक विस्थापित करने में किया गया कार्य ऑब्जेक्ट के अपने वास्तविक मार्ग पर निर्भर नहीं करता है बल्कि ऑब्जेक्ट की प्रारंभिक स्थिति एवं अंतिम स्थिति पर निर्भर करता है, कंजर्वेटिव फोर्स कहलाता है। मतलब हो गया कि जैसे आपको यहाँ से कोई बुला रहे दिल्ली आओ, मान लीजिए टिकट आपको इधर से नहीं मिला भागलपुर तरफ से,
क्या करेगा, नौगछा तरफ जाएगा, जाएगा नहीं जाएगा, तो नौगछा की ओर से जाएगा तो दिल्ली उसको पहुंचना है, तो रास्ता पे कोई डिपेंड हुआ क्या? नहीं हुआ। कहाँ से निकला और कहाँ तक पहुंचना है उस पर डिपेंड किया। इसको हम यहाँ से गिराएंगे, रास्ते से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है, आरंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति में करता है, कंजर्वेटिव फोर्स कहलाता है। एग्जाम्पल हो गया इसका गुरुत्वाकर्षण बल, ग्रेविटेशनल फोर्स। दूसरा एग्जाम्पल है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, स्थिर विद्युत बल। ठीक है, ये सब जो है इसका एग्जाम्पल है। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को, समझ में आया? लिख लें, अब हम लोग लिखिए, वह बल जिसके द्वारा किसी ऑब्जेक्ट को वह बल जिसके द्वारा किसी ऑब्जेक्ट को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पॉइंट का स्पेलिंग क्या लिखा? हाँ, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक विस्थापित करने में किया गया वर्क कॉमा ऑब्जेक्ट के द्वारा अपनाए गए वास्तविक मार्ग पर निर्भर नहीं करता है। अपनाए गए वास्तविक मार्ग पर निर्भर नहीं करता है। जबकि यह ऑब्जेक्ट की प्रारंभिक स्थिति एवं अंतिम स्थिति आरंभिक स्थिति एवं अंतिम स्थिति पर निर्भर करता है। एग्जाम्पल में लिखिएगा गुरुत्वाकर्षण बल, ग्रेविटेशनल फोर्स।
एग्जाम्पल लिखे हैं गुरुत्वाकर्षण बल कोमा स्थिर विद्युत बल, स्थिर विद्युत बल। पहला एग्जाम्पल बोले गुरुत्वाकर्षण बल कोमा, देखिए दूसरा एग्जाम्पल बोले स्थिर विद्युत बल। इंग्लिश हो जाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स। तीसरा एग्जाम्पल लिख लीजिएगा चुंबकीय बल, मैग्नेटिक फोर्स। मोबाइल को साइलेंट कर लीजिए, मैग्नेटिक फोर्स, चुंबकीय बल, मैग्नेटिक फोर्स। दूसरा स्थिर विद्युत बल, स्थिर विद्युत लिख दें क्या? बाप रे साहब एकदम छ, स्थिर विद्युत बल। चौथा एग्जाम्पल लिख लीजिएगा ईटीसी, ईटीसी एक्सेट्रा, हाँ ईटीसी मतलब इत्यादि। सुनिए ए, अब यहाँ ध्यान दीजिएगा मिट्टू, यहाँ देखो बातचीत नहीं करो अगरपुर। देखिए फिगर बना के आप समझा रहे हैं, आप समझिएगा थोड़ा, ध्यान दीजिए खाली फिगर। इसमें यहाँ ध्यान दीजिए, यह ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। जैसे तुम घर से निकले कोचिंग के लिए, आपका आरंभिक स्थिति हो गया घर और अंतिम स्थिति हो गया कोचिंग। अब रास्ते में लड़के दो तीन प्रकार से आते हैं, कोई यूनिवर्सिटी तरफ से घूम के आएगा, किसी के पास बहुत समय आधा घंटा है तो पर्वतीय होते हुए कोतवाली चौक होते हुए घूम के आएगा, बात समझे कि नहीं, कोई इस गली से आएगा। लेकिन एम क्या है? कोचिंग पहुंचना है। किधरो रास्ते से आए, पहुंचना सबको यहीं पर है। उसी प्रकार का मान लीजिए कोई रास्ता एक इधर से इधर आने का है, कोई एक रास्ता ऐसे ऐसे आने का है, ये ए सी बी मान लीजिए, ए डी बी मान लीजिए, एक रास्ता ऐसे है, ठीक है, ए ई बी मान लीजिए। यानी कि ए से बी तक पहुंचने का तीन रास्ता है। आप ए सी बी होते हुए पहुंच सकते हैं, आप ए ई बी भी पहुंच सकते हैं बी पर, आप ए डी बी भी होते पहुंच सकते हैं। तो कहता है कंजर्वेटिव फोर्स कि ये मार्ग पर निर्भर नहीं करता है। किस पे निर्भर करेगा? आरंभिक स्थिति एवं अंतिम स्थिति पर। ऑब्जेक्ट के आरंभिक स्थिति एवं अंतिम स्थिति पर निर्भर करता है, क्या कहलाता है? कंजर्वेटिव फोर्स। समझ में लाओ, कोई दिक्कत किसी को? याद हो गया? चलिए दूसरा फिगर बना लीजिएगा, फिगर बना लीजिएगा। ए अरे सौरभ तुम कहाँ बोकते रहता है? अरे शाम में वगैरह तो बाइक से जाते हुए। ट्रिपल लोडिंग चलते हैं, गंदी बात है। अब बिना हेलमेट का बाइक मत चलाइए, याद रखिए हमेशा।
वो तब ना जब आप बाइक चलाइएगा तब ना सावधानी और दुर्घटना का चांस होगा। जब बाइक ही नहीं चलाइएगा फिर सावधानी दुर्घटना का, बिना हेलमेट का मत चले बाइक। चलिए क्वेश्चन लिखिएगा, ए दूसरा नंबर लिखो, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स लिख के भेज दो। दूसरा नंबर नॉन कंजर्वेटिव फोर्स लिख के भेज दीजिए। दूसरा नंबर नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के डेज दीजिए। सुन परिभाषा सुन नॉन कंजर्वेटिव का, वह बल जिसके द्वारा जब किसी ऑब्जेक्ट को किसी ऑब्जेक्ट को विस्थापित करने में किया गया वर्क ऑब्जेक्ट के वास्तविक मार्ग पर निर्भर करता है। यह ऑब्जेक्ट के आरंभिक स्थिति एवं अंतिम स्थिति पर निर्भर नहीं करता है, जस्ट उल्टा। इसमें क्या हो गया, वास्तविक मार्ग पर निर्भर नहीं करेगा, इसमें क्या हो गया, वह संरक्षी में नॉन कंजर्वेटिव में वास्तविक मार्ग पर निर्भर करेगा। आरंभिक और अंतिम स्थिति को कोई मतलब नहीं है। इसका एग्जाम्पल है घर्षण बल। घर्षण बल क्या है कि रास्ते पर निर्भर करेगा, चिकना है ताकत कम लगेगा, है ना, आपको चलने में दिक्कत होगा, कोई सामान लेके जाना है ताकत कम लगेगा खींच के ले जाने में, लेकिन आपको चलने में परेशानी होगी। रफ है, रफ समझते हो ना, टुकड़ा, कोई सामान खींच के ले जाने में दिक्कत है लेकिन चलने में आसानी है, बस में कि नहीं, ये मार्ग पर निर्भर किया, बस में आ गया। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स किस पर निर्भर करता है, अपने द्वारा अपनाए गए वास्तविक मार्ग पर, ठीक है। अब कंजर्वेटिव क्या होता है, मार्ग पर निर्भर नहीं करता है, किस पर निर्भर करता है, आरंभिक स्थिति एवं अंतिम स्थिति पर। ये क्या होता है कि आरंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति पर निर्भर नहीं करता है। तबियत खराब है क्या नू? नहीं ना, आज मेरा सुबह सुबह हो गया था, जैसे सुबह सात छः सात आज नहीं पढ़ाए थे, आप लोग देखिए उनको बच्चा फ़ोन भी किया था कि सर जी साथ में पढ़ेगा नहीं पढ़ेगा, हम बोले थे नहीं साथ में पढ़ाएंगे, छुट्टी नहीं देंगे, छुट्टी छः बजे भी नहीं देते रे विष्णु भतुड़िया, सुबह छः बजे वाला को छुट्टी नहीं देते। लेकिन हुआ क्या, जब लिखे तब बाद में बताएंगे, तो रिकॉर्डिंग हो जाएगा सब, लिखिए, वह बल जिसके द्वारा किसी ऑब्जेक्ट को, किसी ऑब्जेक्ट को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक विस्थापित करने में किया गया वर्क विस्थापित करने में किया गया वर्क कोमा ऑब्जेक्ट के आरंभिक स्थिति, ऑब्जेक्ट की आरंभिक स्थिति
ऑब्जेक्ट की आरंभिक स्थिति, एवं अंतिम स्थिति पर निर्भर नहीं करता है। ऑब्जेक्ट की आरंभिक स्थिति एवं अंतिम स्थिति पर निर्भर नहीं करता है। जबकि यह ऑब्जेक्ट द्वारा अपनाए गए वास्तविक मार्ग पर निर्भर करता है। कॉमा नॉन कंजर्वेटिव फोर्स कहलाता है। एग्जाम्पल का को बोले, एक को ना, कौन बल? घर्षण बल। घर्षण बल लिखे ETC लिख दीजिएगा। भविष्य में अगर कोई दूसरा बल आविष्कार हुआ तो हो सकता है। स्टार देके लिखिएगा, नहीं रुकना नहीं बेटा, अरे बाप, जो रुक गया समझो झुक गया, और जो डर गया समझो बाप, जो डर गया समझो घर गया। फिर कल पढ़ने फिजिक्स नहीं आएगा, लोग सीधे मार देते हो तो कल कैसे पढ़ने आएगा? जो डर गया समझो घर गया, और कल फिर फिजिक्स पढ़ने आएगा तो यार एकदम सीधे डायरेक्ट गायब, मतलब टेंशन है ना, हटाओ। चलिए एक मिनट देखिएगा, एगो नया यहाँ पर बल बता रहे हैं, इसके बारे में परिभाषा लिखाएंगे। अब प्रत्यास्थ इलास्टिक फोर्स, प्रत्यास्थ बल, ये क्या होता है? एक मिनट रुक जाइएगा जरा सा। इसको प्रत्यास्थ स्थिति ऊर्जा भी कहा जाता है। सुनिए, ये प्रत्यास्थ बल क्या होता है, सुनिएगा। दो तीन बल ऐसा है जो थोड़ा सा नया नया आपको बल सुनाई पड़ेगा, लेकिन आप सब जानते हैं, लेकिन आपको पता नहीं कि ये होता है। प्रत्यानयन बल, रीस्टोरिंग फोर्स, कुछ कुछ बल। आप स्प्रिंग को देखे होंगे, स्प्रिंग कौन हो, खटखटिया पेन वाला स्प्रिंग ना, हाउ द स्प्रिंग ऐसा खींचवाए तो सीधा अगलो, वो ने बाइक में, साइकिल स्टैंड में रहता ना स्प्रिंग लगा हुआ, आप उस स्प्रिंग को नहीं खींच पाइएगा, ऐसे बहुत हार्ड रहता है। स्प्रिंग को खींच के तुम ऐसे रखो और फिर छोड़ दो, क्या हो जाएगा? वो उड़ तो जाएगा, लेकिन अपने पूर्वावस्था में आ जाएगा। तुरंत उड़ाने वाला गप मत कीजिए। रबर को ऐसे खींचिए, ज़्यादा नहीं खींचना तो टूट जाएगा,
फिर धीरे धीरे कष्ट छोड़ेगा, चोट लग जाएगा, ये भी आप लोग सोचिएगा। हम बोले अगर छोड़ देंगे क्या होगा, तो आप बोलेगा चोट लग जाएगा, हमको पता ही, बोलिएगा। रबड़ को ऐसे खींचिए और फिर छोड़ दीजिए, वो अपनी पूर्वावस्था में आ जाएगा। जिस बल के कारण अपनी पूर्वावस्था को प्राप्त करता है, री स्टोरिंग फोर्स कहलाता है, ठीक है। और जब हम स्प्रिंग को बल लगाते हैं तो स्प्रिंग को हम अपनी ओर खींच रहे हैं, स्प्रिंग कहाँ खींचेगा, वो अपनी ओर खींचेगा। स्प्रिंग अगर मान लीजिए बड़ा स्प्रिंग, तीन आदमी मिल के खींच रहा है, खींच लिया, दो आदमी हट जाए, एक आदमी को क्या करेगा, स्प्रिंग खींच लेगा ना, यही हम समझाना चाह रहे हैं। स्प्रिंग को हम अपनी ओर खींच रहे हैं, स्प्रिंग कहाँ खींचेगा, अपनी ओर खींचेगा। तो ये जो स्प्रिंग को हम लोग जो बल लगा रहे हैं स्प्रिंग के द्वारा, इसको बोलते हैं प्रत्यास्थ बल, इलास्टिक फोर्स। में लाओ स्प्रिंग का नेचर होता है, याद रखिएगा, उसमें एक एनर्जी भी होता है, उसको प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। उसका फॉर्मूला भी हम लोग पढ़ेंगे, स्प्रिंग का प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा, ठीक है, उसका फॉर्मूला होता है हाफ के एक्स स्क्वायर, वो सभी बताएंगे, ठीक है ना। तो पहले प्रत्यास्थ बल के बारे में लिख लीजिएगा, लिखना नहीं, समझ लीजिएगा कि प्रत्यास्थ बल जब हम स्प्रिंग को अपनी ओर खींचते हैं, तो एक स्प्रिंग एक बल से अपनी ओर खींचता है, स्प्रिंग अपनी ओर खींचता है, इस प्रकार के बल को क्या बोला जाता है, प्रत्यास्थ बल। तो प्रत्यास्थ बल भी कंजर्वेटिव संरक्षी बल का उदाहरण है। एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा कि प्रत्यास्थ बल क्या है, संरक्षी बल है कि असंरक्षी बल है, क्या बोलेगा, स्टार देके लिख लीजिए, प्रत्यास्थ बल, स्टार देके, प्रत्यास्थ बल एक संरक्षी बल है, प्रत्यास्थ बल एक संरक्षी बल है, प्रत्यास्थ बल एक संरक्षी बल है, प्रत्यास्थ बल एक संरक्षी बल है। और एक और स्टार देके लिखे हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एकदम एमआई कर दिया, एकदम एमआई, लाइफ टाइम याद रखे हैं, जब तक साइंस पढ़ता रहे। क्या याद करना है, जो बोल रहे हैं सुनो, काइनेटिक एनर्जी कभी भी निगेटिव नहीं होता है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर, मास तो कभी माइनस में नहीं होगा, किसी का सुने हो माइनस पांच, अच्छा आप लोग जानते हैं सबसे छोटा मास किसका है, इलेक्ट्रॉन का, उससे छोटा कुछ है क्या, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना है, हाँ केजी ने बेटा, किलोग्राम, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है बेटा 9.1 गुना 10 पर माइनस 31 किलोग्राम। ये माइनस में कि प्लस में है, प्लस में है, पावर माइनस देखने से माइनस है, समझिएगा ये प्लस है, इसको जब नीचे कर दोगे 10 पर 31 हो जाएगा, 31 अंक के बाद 0.0 बैठेगा, लेकिन पॉजिटिव ही होगा। अगर हम लिख दें 0.000 लिखते जाएं, जब तक कॉपी नहीं भर जाएगा, लिखते जाएं, या लास्ट में लिख के लिखते हैं नो, ये माइनस में कि प्लस में है, प्लस में, माइनस में तब होता जब इसके पीछे माइनस होता, समझ में। तो सबसे छोटा मास किसका है, इलेक्ट्रॉन का, इलेक्ट्रॉन का मान माइनस में कि प्लस में है, प्लस में है। अब देखिए वेलोसिटी, आपको लिखाए होंगे वेलोसिटी पॉजिटिव निगेटिव सब होता है, सही बात है ना, चूंकि अगर निगेटिव होगा तो वेलोसिटी का स्क्वायर है, स्क्वायर है तो माइनस पांच, अगर मान लीजिए भी का मान दिया है माइनस पांच, स्क्वायर है, स्क्वायर कीजिएगा तो इधर भी स्क्वायर हो जाएगा, बराबर कितना हो गया, प्लस 25, समझ में। इसीलिए काइनेटिक एनर्जी कभी भी निगेटिव नहीं होता है, ये दिमाग में सेट कर लीजिए। लाइफ टाइम कोई पूछ देगा, कहीं लिखा हुआ मिल जाएगा कि क्या काइनेटिक एनर्जी निगेटिव होता है,
पॉजिटिव होता है, जीरो होता है, तो जीरो ठीक है, चलो हो सकता है भी का मान जीरो का जीरो कर दिया, लेकिन नेगेटिव नहीं होगा, पॉजिटिव हो सकता है, हो सकता है कि होता ही है। देखिए, काइनेटिक एनर्जी कभी भी क्या हुआ, काइनेटिक एनर्जी कभी भी निगेटिव नहीं होता है। काइनेटिक एनर्जी कभी भी निगेटिव नहीं होता है, यह पॉजिटिव या जीरो हो सकता है। स्टार देखा और लिखिएगा, लिखना है स्टार देके एक पॉइंट और लिखिएगा, स्टार देके एक पॉइंट और लिखिएगा। पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा बचलाएं बेटा बड़ी कस्ती कर, स्थितिज ऊर्जा पॉजिटिव नेगेटिव या जीरो कुछ भी हो सकता है। स्थितिज ऊर्जा पॉजिटिव नेगेटिव या जीरो, जेड आर ओ, हाँ, पॉजिटिव निगेटिव या जीरो कुछ भी हो सकता है। पॉजिटिव निगेटिव या जीरो कुछ भी हो सकता है। चलिए ठीक, जिंदा बचाओ।